യെസ്, ലാലു പ്രസാദ് യാദവും നിതീഷ് കുമാറും മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു അവരുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്. बिहार के मुख्यमंत्री प्रेजेंट और कंटिन्यू अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सभी मीडिया के साथी महागठबंधन का जो ग्रेट विक्ट्री दिया है बिहार की जनता ने, गरीबों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, अकलियत के लोगों ने, अनुच जात के भाइयों ने भी, गरीब लोगों ने दिया, इसके लिए हम दोनों भाई आभार व्यक्त करते हैं. और भाजपा का बिहार की महान जनता ने, बिहार की जनता ने सुखड़ा साफ कर दिया. और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का तरक्की विकास तेजी से हम लोग मिलकर के बिहार को हम नेशनल मैप पर हम लोग ले जाएंगे. और साथ ही साथ नौजवान हमारे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वंचित समाज है, अंतिम पायदान पर जो बैठा समाज है उनको मुख्य धारा में लाएंगे. और बिहार के हक और हुकूम के लिए पूरा परिश्रम हम करेंगे. और चुनाव के दौरान हमने ऐलान किया था कि देश हित में भाजपा को दिल्ली के गद्दी पर एक दिन भी रखना देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के बराबर है. इसलिए जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे. जो हमने कमिट किया है, या नीतीश कुमार जी बखूबी सरकार को चलाएंगे और हम बिहार को हम लोग सब मिलके पूरा देशवासियों को, मैं जो सारे लोग तकतकी लगा के देख रहे थे, बिहार ने नया दिशा दिया, नया डायरेक्शन दिया देश को. और पूरे देश में हम दौरा करेंगे, हम फिली रहेंगे. और हम नरेंद्र मोदी फासिस्ट कमरल सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे. बिहार ने नया राह दिखाया है मीडिया के सब साथियों को. जो भी आप लोगों ने सर्वेक्षण किया, मेरा सर्वेक्षण सही निकला, मेरा सर्वेक्षण सही निकला. हम अप्रोचिंग तक पहुंच गए हैं. हमारा सर्वेक्षण राइट और बाकी का सबका फेल. और नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद. आप लोगों और सब कार्यकर्ता को यूनाइटेड. देखो भाई, कोई आज यदि जदयू कांग्रेस पार्टी नहीं थी, महागठबंधन, महागठबंधन जिंदाबाद लोगों ने नारा लगाया. जो एकजुटता दिखाई है, हम लोगों में कोई भी चाहेगा कि कोई फूट फाट करावे, आगे पीछे करें, हम लोग दस समय छीलने वाले नहीं हैं. जब हम लोगों को इतना बड़ा मैंडेट बिहार की जनता ने दिया, धूपा में खड़ा होकर, त्योहारों को त्याग करके,
बिहार की जनता ने, नौजवानों ने, पिछड़े वर्गों के लोगों ने, अकलियत के भाइयों ने, दलित महादलित आदिवासी अवुच जात के गरीब भाई लोग की थी। आज जिस अखबार को कुछ बोले भी तो हम वापस ले लेते हैं। आते फोन करके हमारी महिलाएं, हमारी माँ बहने, गरीब महिलाओं ने जो प्रदर्शन दिखाया, जो एकजुटता दिखाया महिलाओं ने, दबे कुचले वर्गों की महिलाओं ने, मिडिल क्लास के महिलाओं ने, उनके अरमानों का बिहार, उनके अरमानों को हम भारत बनाने में हम लोग पूरा का पूरा योगदान देंगे। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। देखो ए भाई, देखो ए लड़का, रुको, देखिए क्या पूछ रहा। हाँ बात सुनो, देखो मुख्यमंत्री जी को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ने बधाई दिया, बहुत अच्छी बात है। और देश भर के सब नेताओं ने, इन स्पाइट ऑफ पार्टी पौआ, सब लोग हम लोग को बधाई दिए। सोनिया जी, उनका पूरा परिवार, इनको भी दिए, जेटली जी दिए, राजनाथ भाई दिए, सब लोग तो दे ही रहे हैं। लेकिन हम आज के अवसर पर जो देश का हमारा इशू है, जो हमारा सवाल है, बधाई वधाई हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अपना लड़ाई को चौक और तेज करते रहेंगे। हम इसका इतना बड़ा असर पड़ेगा दुर्गामी कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। इतना बड़ा दुर्गामी असर पड़ने जा रहा है। इसमें मोदी जी का सरकार, आरएसएस सरकार बिल्कुल भरोसाही हो जाएगा। 2019 में ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली में टक्कर देंगे मोदी जी। 2019 में चले गए सबसे पहले। ए भाई सुनो, अरे सुनिए ना, 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद हम बनारस जाएंगे लालटेन लेके। छठ के बाद लालटेन लेके बनारस जाएंगे। क्या क्या वादा किया था, अब क्या कर रहे हो? अरे बाकी 4 बजे दिल्ली जी के घर पर आएंगे, वहां पीसी होगा। जिंदा ബീഹാർ ജനത നൽകിയ വൻ വിജയത്തിന് നന്ദി പറയുകയായിരുന്നു ലാലു പ്രസാദ് യാദവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിതീഷ് കുമാറും. ബീഹാറിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിതീഷ് കുമാർ, വീണ്ടും നിതീഷ് കുമാർ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരും. നിതീഷ് കുമാർ തുടർന്നു വരുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകരുന്ന രീതിയിൽ ബീഹാറിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും വികസനത്തിനുമായി കൂടുതൽ പദ്ധതികളുമായി സഖ്യം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും, ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ വിജയം ഒരു പാഠമാണെന്നും, കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയെ തൂത്തെറിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ ബീഹാറിലുണ്ടായ വിശാല സഖ്യത്തിൻ്റെ വിജയം മറ്റു തലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറുമെന്നും ലാലു പ്രസാദ് യാദവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിതീഷ് കുമാറും.